ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਟੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸਨ 7 ਰੁਪਏ ਅਰੇ ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸੀ मैं चल गया भाई फैजाबाद वर्सेस बड़ा रावड़ भाई कर ले शुरू यार शेयर कर देख के एक बार सारे भाई शुरू करवा दे ओ देखो सामने भाई भंडारी और विशाल भैया मेरी रिक्वेस्ट है समय बिल्कुल ना लेने दे टीमों को जुड़ जाओ भाई जुड़ जाओ मैं चल गया भाई दृष्टिकोण से अगर देखा जाए एक बार फिर ये बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी हमारे दर्शकों को कुछ नहीं अजय गुज्जर ते रोहित की टक्कर भाई शेयर कर दियो एक बार सारे भाई कलू टीम ही नहीं डब्बा पता नहीं कौन खेल रहा है राहुल लाल पता नहीं भाई कंफर्म नहीं है मनीष ने भी कह रहे थे ओ रमजान मेंटर पहुंचते हुए ढाका टीम के हेले हेले बेस्ट ऑफ लक आरसी 666 सागर यमुनानगर वही दूसरी तरफ सोटी कपर ठकोला वो खेलते हुए नजर आएंगे बहुत बड़ा हुआ मुकाबला लेकिन बीच मैदान पे अजय गुज्जर बनाम रॉय चंडीगढ़ सिक्सर के जबरदस्त मुकाबला ये हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा बहुत बड़ा मुकाबला लेकिन एंट्री करी जिनने चौधरी देवपाल सिंह देखे बराबर ने गुज्जर के हाथ में है शेयर कर दो सारे भाई एक एक बार पेंडिंग भी एक टीम जी बेस्ट ऑफ लक रोहित चंडीगढ़िया मुबारक राज फिलहाल गेंदबाजी में ओवर दरी के नाते में सामना करेंगे दोनों टीमों के लिए मेरी विनती है यार जबरदस्त मुकाबला जिसका आप सभी से इंतजार था हमारे दर्शकों शेयर कर दो एक बार सारे भाई यार पहली बॉल सामने रोहित बढ़िया खेल एक बाउंस निकल जाएगी चार भाई लाइन के बाहर एक टीम चौके के साथ यंजी रेंट्री के लिए शुरुआत करते हुए लाजवाब चौका यहाँ निकलता रोहित को बेस्ट ऑफ लक सईदुर रहमान की तरफ से एक बाउंस इससे पहला कौन इससे पहला कंडियाला जीत की जी मैच के साथ यह अपनी पारी का आगाज करते हुए रोहित बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं मैच में भी जबरदस्त खेल दिखा रोहित चंडीगढ़ को बेस्ट ऑफ लक एंटर हुई अगर एक पेंडिंग टीम थी तो उनकी जगह खेल रही है अच्छी गेंद हरा करते हुए रन लेने से अच्छी गेंद या बहुत ही बढ़िया तरीके से रोहित चंडीगढ़ को बेस्ट ऑफ लक रोहित का बहुत मजा आता है इनको यूपी में जब जब वो टूर्नामेंटों में आते तो बखूबी चीजें उनके मुंह से मैंने खुद सुनी है दर्शक मनदीप सिंह बुल्लर रोहित को बेस्ट ऑफ लक खिलाड़ी को बहुत मजा आता है खेलने में लेकिन अब फिलहाल इस ओवर में तीसरी बार छोटा भाई रन छे लंबा छक्का भाई मैक्सिमम निकलता हुआ रोहित चंडीगढ़ के बैट से गेंद में कोई खराबी नहीं थी नहीं है भाई किसी में सुनील चौहान ऊपर से ये लंबा ओवर अजय गुज्जर तो खेल लिया था पहला मैच विशाल जाट एंट्री करी भाई इन्हें एक शेयर हो आज तक भाई शेयर नहीं कर रहे यार दो बंदे जुड़ के शेयर कर दो अगली बॉल फिर अच्छी बॉल शॉट डाउन द ग्राउंड प्रोडक्शन मौजूद है पीछे सिर्फ एक ही रन मिलेगा बेस्ट ऑफ लक चंडीगढ़ ने जट बंदी है किसी टीम ने जट बंदी है आज ये पूल मत है नहीं बाकी कल पता नहीं भाई रवि चौधरी गेंदबाज के लिए फील्ड में बदलाव अब यहाँ देखने को मिलेगा फिलहाल अपने बेस्ट ऑफ लक रोहित आरसीसी पांचवी बार ये दो गेंदे बहुत क्रिशियल रहने वाली है सामने वाले छोर पे सामना करेंगे जुनेद ये भी बेहतरीन हिटिंग के लिए जाने जाते हैं जबरदस्त खिलाड़ी है कमाल की फॉर्म में अपने घरेलू मैदान पे खेल रहे ये बढ़िया गेंद जबरदस्त गेंद खेत बैट से छकाते निकल गए सीधा विकेट कीपर के हाथों शेयर कर देख एक बार सारे भाई क्या करते भाई अभी तक इस ओवर में 11 रन आए अभी भी 500 प्लस तो करी दो भाई अपने इस स्पेल में आखिरी बार आते हुए 11 रन अभी तक इस ओवर से शेयर करा तो जाए यार करता हुआ आखिरी बार कड़ी बोल भाई जबरदस्त गेंद डॉट बॉल के साथ था ओवर की समाप्ति पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन स्कोर है बिना किसी नुकसान के फैजाबाद का नंबर
आर गया सतीश के थल जी नगली में था। पी लो ले लेना तो ले लिया। अच्छा जुर्रा टली बेस्ट ऑफ लक रोहित चंडीगढ़िया विनोद पाल की तरफ थे। शॉट भाई रन छे भाई बैठ गए वो खुद जानते इस विकेट की अहमियत। शायद ये बड़ा आसान कैच था अगर थोड़ा बाउंड्री लाइन एडिक्शन पे होती का मैच अगला भाई यार मंसूर ट्रैवल कर गई छह रनों के लिए बहुत बड़ा जीवन दान था। यहाँ मिलता हुआ इकराम ना खुश है अपने फील्डर के एफर्ट से और क्यों ना हो राउंड द विकेट इस ओवर भी चले इकराम वर्सेस मगन परा चौधरी देवपाल सिंह एंगल बदलते हुए राउंड द विकेट इकराम सामना करेंगे रोहित। ये बढ़िया थी तेज गेंद सामने वाला शोर बहुत इजी पिक करते हैं लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी जबरदस्त लाइन और लेंथ करते हुए अजी और क्यों ना करेंगे बहुत बड़े खिलाड़ी है जबरदस्त टक्कर रहा यहाँ देखने को मिलती हुई राउंड द विकेट इस ओवर में शॉट है भाई रन छे जबरदस्त छक्का उस छक्के के बदल स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 23 रन। पहला गेंद एक हाफ चांस वो था उसको कंप्लीट में कन्वर्ट करना चाहिए था बराबर की टीम को अगर अगला मैच फैज पत्ते मगन परे के बीच है भाई शायरी कर ले भाई नाम कमाया नाम कमाते जबरदस्त शॉट एफर्ट रस बचाते अपनी टीम के लिए यकीन तौर पे पूरे चार रन बचाते हुए अब सामना करेंगे जुनेद दो आखिरी दो गेंदे बची लाल इस ओवर में राउंड द से राउंड द विकेट जबरदस्त शॉट से बहुत से दूर बाउंड्री तक पहुंचने से पहले दोनों बल्लेबाज एक को दो में कन्वर्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया रनी बिटवीन द विकेट दो रनों के साथ स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 26 रन राउंड द विकेट इस ओवर में सामना करेंगे जुनेद जबरदस्त शॉट कमाल का छक्का यहाँ निकलता हुआ और छक्के के साथ शुरुआत दी थी छक्के के साथ तो ये ओवर खत्म होता हुआ दो ओवर की समाप्ति के बाद कितना स्कोर है 32 हो गए रमजान 32 32 है ठीक है जी 32 रन स्कोर है बिना किसी नुकसान के गेंदबाजी में बदलाव खुद ऑफ स्टीम के सबसे जबरदस्त खिलाड़ी इरशाद आ रहे हैं गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर बल्लेबाजी में आज की गहराई है तो गेंदबाजी तो यकीनन आपको पहले करनी पड़ेगी अच्छी वो भी अरे दो ओवर 32 रन हो चुके हैं आने वाला एक बड़ा टूर्नामेंट फैजपुर क्रिकेट का इक्विपमेंट प्लस दो बाहरों बहुत बड़ा वो टूर्नामेंट हो रहा है लेकिन कमिंग सून डेट आपके बीच जल्द पहुंचेगी ओवर द विकेट आए शॉट है भाई सामने रन छे यह निकलता हुआ रोहित चंडीगढ़ के बैट से कमाल का छक्का कमाल का बैट फ्लो डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन और मिड विकेट दोनों के बीचों बीच ये निकलती हुई छह रनों के लिए और ये इनकी बारी का चंडीगढ़िया पहली मैच है भाई देखते हैं क्या रहा है भाई बल्लेबाजी निकलता हुआ छक्के की बदौलत स्कोर बढ़कर जा पहुंचाया 44 रन बिना किसी बराबर में बने जी अजय गुज्जर इनिंग में 16 गेंदें बची राहुल सर विक्रम अपने सीनियर मेंबर कल्लू खेले का चंदा खेड़ी में भीम सैनी राहुल कमाल की लय में दिखाई दे रहे बहुत खराब भाई इसे फायदा उठा नहीं पाए फिल्डर बहुत इनाम क्या आयो ये छोड़ते तो वाइड गेंद था लेकिन बड़ी किस्मत मनीष बता रही थी सरफराज हिल गया रोहित चंडीगढ़िया हां जी मैं कह रहा कुछ भी मुमकिन नहीं है वे आस्वाद है आस्वाद है आरसी कौन सी टीम से खेल रहा भाई आरसी कमेटी में खेल रहा भाई फैजाबाद स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 50 के बाद पिछला गेंद अगर टूटता तो अगला गेंद नो बॉल के साथ साथ वो 7 रन भी आते हुए बहुत लंबा छक्का यार निकलता हुआ रोहित चंडीगढ़ क्यों इस खिलाड़ी को
इतना बड़ा नाम दिया गया कि उस खिलाड़ी को किंग कहा जाता है क्रिकेट का। दुनिया के कोने कोने में इस खिलाड़ी ने छाप छोड़ी। आज से कुछ महीने पहले इंडिया कप में ऑल इंडिया कप हमारे 100 दूसरी टीम में ओपन है जी। अजय गुज्जर मोइन खान अपने दम पे चैंपियन बनाया है इस खिलाड़ी ने। सामने रोहित है घूमने आ जाते हैं कभी हमारे दर्शकों से हमारी विनती है, दर्शकों से हमारी विनती है बोले वापस ग्राउंड में पहुंचाते रहे। इतना साथ कर दो, शेयर कर दो यार, 400-450 हो गए भाई, 1000 करने आज चिमड़ गया आज तो भाई। आज चंडीगढ़ की बूथ मौसम बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब एनवायरमेंट। कौन जाते हैं घूमने में बता दिया करो। बाल के अभी तक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अपने इस ओवर में पांचवी बार पहली चार गेंदें 25 रन आते हुए वाइट बॉल लाइन से काफी बाहर, वाइट का इशारा या पैर का उसी वाइट के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 58 रन। आखिरी दो गेंदें बची है, दो ओवर इसके बाद आने बाकी है। दूसरी छोर पे अजय गुज्जर वो भी किसी से कम नहीं है, वो खेल गए पांच ओवर। यकीन तौर पे जितना बड़ा टारगेट होगा वो अच्छा वोली शिवारी बहुत बड़ी हस्ती हरियाणा पंजाब की, वो भी जुड़ी हुई बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल अपने इस ओवर में पांचवी बार ओवर द विकेट साझा करेंगे रोहित, कमाल की फॉर्म में 4 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं। खुश है और क्यों ना हो, बराबर टीम को बेस्ट ऑफ लक है। बल्लेबाज बीच मैदान पे आते हैं, बिल्लू कमाल की फॉर्म में है, ये भी आखिरी गेंद अभी भी बची, बहुत ही महंगा ओवर 26 रन आते हैं अभी तक इस ओवर से बिल्लू। लेकिन अच्छी खबर ये है, पता नहीं जी क्या राजपूत कौन है भाई, ऊपर बल्लेबाजी की आखिरी बार इस ओवर में ऑफिसर की लाइन से बाहर, वाइड का इशारा या अंपायर का थोड़ा सा प्रेशर डालने का प्रयास अंपायर के ऊपर, लेकिन गेंद ऑफिसर से बहुत बाहर, वाइड करार दिए उसी वाइड के चलते स्कोर बढ़कर 60 के आसपास यहाँ पहुंच चुका है। आखिरी 12 गेंदें बची अपने इस ओवर में, 2 गेंद अभी भी शेष है। आखिरी बार आते हुए इरशाद सामना करेंगे बिल्लू, बढ़िया शॉट एक बाउंस कमाल का एफर्ट, रन बचाते हुए अब्दुल्ला कल खेलते हुए नजर आएंगे। आज सबसे चोट फील्डर का रोल अदा कर रहे हैं रावण की टीम में। 3 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी मैच है अभी दुर्गम तजर को जी 60 रन स्कोर है 18 गेंदों की समाप्ति के बाद। आखिरी 12 गेंदें बची है, इस बाजी में कोई बदलाव नहीं। खराब अपने स्तर का दूसरा टीम के लिए चौथा ओवर लेके आते हुए सामना करेंगे अब इस जोड़ी के ऊपर बहुत निर्भर करेगा बिल्लू और जबरदस्त खिलाड़ी है ये भी। हाँ गुलजार सही बात है तेरी भाई, हमारे फोन में लाइव चला नहीं चलता वो नहीं होता टूर्नामेंट हो जा। मैच चल रहा 3 मैच हो रहा फर्स्ट राउंड के, इसके बाद भाई चौथा मैच हो गया शॉट है भाई रन से एक मैच बाद है भाई अगला मैच रहेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होने को दिखा नहीं। मैदान के बाहर भी कैच ड्रॉप हो रहे हैं, एक बाउंस फील्डर मौजूद है पीछे, 4 रन मिल जाएंगे चौके के साथ स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 70 रन। आखिरी 4 गेंदें इस ओवर में बची है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी वो यहाँ देखने को मिलती हुई। अगर रोहित बाहर गए तो गेंदे बाहर जाने रुक नहीं रही है, लगातार गेंदों को ठिकाने लगा रहे हैं। कंडीवाला जीत के गुलजार भाई छोटा भाई रन से रोहित के रन दिखाई 14 बार ताली मारे भाई रोहित ने, कुर्बान गुजर भाई टेक दे ये रुकने का नाम ले रही है, बहुत ही खास करके मैच अगला है भाई, ऊपर डालने का प्रयास कर रहे हैं। देख लो भाई रोहित के रन बिल्लू अभी तक पिछली 3 गेंदें 16 रन आते हैं, 7-6 1 चौका बची है,
लेकिन कितने टारगेट तक पहुंच पाएंगे वो हमारी बात रहेगी। रोहित अपना काम करके पैविलियन गया पकड़ चुके गुज्जर भी चला गया अच्छा जी पहुंच गया साल भाई हमजा तहसीन बिल्लू ऑन फायर लगातार चले रखे पता नहीं यार बम्बे वर्मा कौन है कादिर अली भाई कौन बम्बे टूर्नामेंट खत्म होने के बाद कोटला कोच में क्रिकेट की जान और शान जब तक चल रहा है तो प्लीज गुज्जर को बैट स्ट्रोक लगता है दाऊद की तरफ गेंदे ग्राउंड में थ्रो करते रहे विकेट तो आई थी लेकिन दाऊद द रिलोड करेगी भाई अगली दोनों टीमें फैजपुर और मगनपुरा भाई टॉस कर ले जबरदस्त मुकाबला वो भी खेला जा रहा है दिस ओवर में बेस्ट शॉट है भाई एक और रन छह रन और मिलेगी बेस्ट ऑफ लक बिल्लू बरान अंसारी जाननी पूर्वक इस टाइम जाननी पर एक मैच जीत गई अगले राउंड में क्या जबरदस्त बल्लेबाजी दो गेंदे अभी भी शेष ओवर में आस्वाद है आस्वाद है चौके समेत तीसरा आ चुके आखिरी दो गेंदे अभी भी शेष इस ओवर में गुज्जर यू हैव प्लेड सागर आज गुज्जर भी बस सलमान खान एक और शॉट भाई रंजे सो प्लस होंगे दिखा विनोद बालन जी लाइव फ्रॉम रोकी मेहताब अली तीस रन आते हुए 29 रन आते हुए सोवर से बहुत ही खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ रहा है आखिरी छह चंडीगढ़ आउट हो गया हमारे बाद भाई यही साइड में आखिरी बार अपने स्पेल में पीछे नु यार भाई छोटा भाई एक और रन छे कोटला को तो विकेट का जब लाई थैंक यू दाऊद भाई थैंक यू सागर लाल जी हां जी तकड़ी बैटिंग कर गया भाई जैसे अपना काम करके गए चार ओवर 95 रन भाई हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला खैरी का मैच कल है भाई मिस्टर रफ्तार लास्ट ओवर देखने वाली बात रहा कितने स्कोर खड़ा करो शॉट है भाई रन छे 35 आगे सोनू राणा जी पिछले ओवर से 35 रन आगे भाई जट बद्दी प्रिंस पता नहीं भाई जट बद्दी किस में खेलना गया यार आज ये पूल बनी है भाई 101 100 प्लस भाई 101 5 गेंदे अभी भी शेष हैं भाई हिल गए सारे हाँ जी शर्मा सारे हिल गए तो अच्छा जी अब्दुल सत्तार जी हाँ जी सलमान खान व्हाइट बॉल फैजाबाद गल की मजा है टूर्नामेंट का अभी तो जय गुज्जर की बैटिंग रह गई भाई हाँ जी फैजान गुज्जर फैजाबाद की टीम की लेकिन ये सोलन कहीं कम पड़ ना जाए हाँ ओम ग्राउंड है मुस्तफा बहुत बड़ा लक्ष्य अब यहाँ से हाँ सोनू राणा छोटा है जी ग्राउंड बाउंड्री बहुत छोटी है लगभग लगभग एक और शॉट भाई रंचे इतने तो 20 में बना हाँ जी फाइनल कल है भाई एक टीम आज फाइनल में जाके बाकी फाइनल कल होगा अजय गुज्जर अगर इस मैच को जीत लेता है तो हाँ जी सागर वाला भाई प्रोग्राम है भाई अथनी कुंड के बिल्कुल करीब ही अथनी कुंड पर सामने चमका भाई पिछले 8 गेंदे 50 से अधिक रन बन चुके यो कह लीजिएगा पिछले 8 गेंदे फैजान गुज्जर अजय गुज्जर के यहाँ लग चुकी अभी तक पिछले 2 गेंदों पे फिलहाल इस ओवर में चले नौशाद अपना एंगल बदल के आते हुए राउंड देंगे सामना करेंगे जुड़े शॉट भाई एक और रन छे मिलेगी क्या बल्लेबाजी मैदान के हर कोने में
शर्मा लखियान जी बात तो सही है, बेस्ट ऑफ लक फैजाबाद को आस्वाद है, आस्वाद है। टूर्नामेंट का जबरदस्त आनंद लेते हुए लोग, ठंडा मौसम भाई, छोटे गोर भाई रन छे फेर मिर्जापुर कला साहिल अंसारी भाई बस दे दो फैजाबाद को मैच सर पंजाब। हाँ जी हाँ जी 120 रन है भाई, दो गेंदा भी शेष है भाई। ठीक है जी अब्दुल सत्तार जी, मजा आ रहा है भाई, अच्छा जी शेर कर दे यार, छह में छह लगा दीजिए, कितना दो बोलना शेष है भाई अभी। ओ हो बैटिंग घटता हुआ रोशाद का, अभी तक 25 रन आते हैं। बस कमेंट्री कमेंट्री वाला स्पेशल बंदा है जी, क्या बात करेंगे। पांचवा ओ चक लिया भाई, कैच आउट भाई, बराबर टीम को बेस्ट ऑफ लक। आखिरी बॉल भाई बल्लेबाजी के लिए जाने जाती, आखिरी गेंद बची, क्या बल्लेबाजी वो यहाँ देखने को मिली। बिल्लू और जुनेद ने तो मैदान के भाई सलमान खान चले इसने की आखिरी गेंद लेके राउंड देने की, वाइड बॉल साइड वाइड का इशारा, थोड़ा सा सरप्राइज करने का प्रयास। अच्छा जी अमित शर्मा नेक्स्ट डील किया है, यहाँ चोटी के तीन बल्लेबाजों ने खूब पिटाई की है, कोई रहम नहीं किया गेंदबाजों के ऊपर, पहले ओवर के अगर छोड़ दे अजय गुज्जर की तो चार ओवर में वाइड बॉल भाई 110 से अधिक रन बने। अभी भी नाम खत्म हो रहा है, ये इनिंग खत्म होने का, एक दिन अभी भी शेष, बहुत ही महंगा ओवर ये भी करता हूँ अभी तक इस ओवर से भी 27 रन। अच्छा आखिरी गेंद राउंड देने के बचने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज से, लेकिन अगर स्लॉट में डालेंगे शॉट है भाई, लास्ट बॉल फिर 6 रन, स्कोर बढ़कर 128 129 का। क्राउड देखो भाई, भाई कितना टारगेट है, रोहित ने 48 बनाए हैं इनकी भाई लाली, और साथ साथ थैंकफुल भाई टॉस कर ले ना जी, हिमाचल की नहीं है सलमान खान, दोनों टीमें टॉस कर ले थी, शाहजपुर और मगनपुरा 4 ओवर में 17 रन आया जी, टॉस कर ले अगले 14 बोलना छोड़ी, 48 मारे भाई मेहताब अली, दूसरी तरफ छोटी बेस्ट ऑफ लक रोहित चंडीगढ़ी, जबरदस्त खिलाड़ी वो भी, वो बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा लक्ष्य इस ग्राउंड पे आज तक के किसी भी टूर्नामेंट में, अगला मैच शाहजपुर से मगनपुरा के बीच है मुस्तफा भाई, वेलकम फिरोज खान, ग्राउंड की टीम, लेकिन गांव वाले बल्लेबाजों ने कोई रहम नहीं किया, और यूं कह लीजिएगा आखिरी बल्लेबाज ने भी आखिरी गेंद पे छक्के के साथ वो इनिंग फिनिश की थी भाई, कितना टारगेट है भाई, कितना टारगेट है 129 रन बनाने, ये मुकाबला जीतने के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा किया है, देखने वाली बात रही, रोहित ने 48 मारे, वही नाम वीडियो बनाकर भेज दो, नाम वीडियो बनाकर भेज दे, काट ले काट लिए मजे, मैच मजे काट लिए, मैं नहीं बना रहा वीडियो, मेरे को फोन नहीं है वीडियो बनाने का, दिन रहा था लगा पता नहीं जी, बीपर में कौन है अपन भेज रहे जी, स्टार जी एक वीडियो ना, फैज वर्मा कौन है अपन पता नहीं जी, बस थोड़ी सी देर के बाद लग जाएगा पता। 30 बॉल 22 रन जी, 30 बॉल में 6 चाहिए, फैजपुर और मगनपुरा एक तरफ सोडी दूसरी तरफ हुसे, बहुत बड़ा वो मुकाबला हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा, सोडी का मगनपुरे की टीम में अपनी सेवाएं देते दिखेगी, वही दूसरी तरफ हुसैन है भाई फैजपुर में, हुसैन यमुनानगर राष्ट्रपति जी यमुनानगर नजर आएंगे, बहुत बड़ा लक्ष्य किसी बनारे जी, बड़ा लक्ष्य खड़ा किया, लेकिन सचिन मलिक भी जुड़ गया, अच्छा जी दूसरे छोर से अब चौधरी अजय गुज्जर के उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, 130 रन 30 गेंदें
लगभग 20 से अधिक छक्के लगा रहे रोहित को बेस्ट ऑफ लक मुकाबला जीत बेस्ट ऑफ लक लाइव थैंक यू जी मीरा सन भाई टॉस के लिए पहुंचे मगरपुरा और साथ साथ फैजपुर भाई मगरपुरा टीम के कोई खिलाड़ी टॉस के लिए आ जाए मेरी रिक्वेस्ट है मगरपुरा से कोई खिलाड़ी मेरे पास पहुंचे टॉस के लिए भंडारी करवा दो यार शुरू पता क्या सामने खड़ेगा ना वहाँ एक हफ्ते छोड़ दिखाई दिए मतलब पूरा एक हफ्ते बंद अगला भी बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है पहले राउंड का पांच वेन्यू इस तरह बनानी है इनका जाएगा वहाँ बीच बेस्ट ऑफ लक लाइव मेरा मुकाबला खेला जा रहा है पहले राउंड का एक तरफ दूरी यमुनानगर भाई दूसरी तरफ हसीब नारपुर वो खेलते नजर आएंगे कौन मुकाबला भी बहुत बड़ा खेला जा रहा है राशिद के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है रोहित को बेस्ट ऑफ लगा फिर गुज्जर अभी तक का मैच कल है भाई पिछली रात ही इन्होंने बुरा वर्मा जी गुज्जर खेल रहा है भाई ऊपर यामा भाई जीत के आ रहे फोन पर जीता है मगनपुरा ने अरे गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहे राशिद राउंड दबी की शुरुआत करेंगे सामना करेंगे अजय 30 गेंदे 130 के आसपास रन बना रहे ओवर दबे के दाते पहले गेंद लेके बहुत ज्यादा तगड़ा शॉट है यार अजय गुज्जर का पहली बॉल रन शॉट 6 रन मिलेंगे जबरदस्त छक्के के साथ यह अपनी पारी का आगाज करते हुए अजय बहुत ही जबरदस्त पहली गेंद को अगले वाले प्लॉट में भेजते हुए जबरदस्त प्रहार यहाँ पहली गेंद पे निकलता जबरदस्त शॉट का बनारस गेंद निकल गई 6 रनों के लिए और छक्के के साथ यह अपना खाता खोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का और लाइव जुड़े हुए लोगों का खासकर बच्चों का जो बाहर से गेंदे तुरंत ग्राउंड पे थ्रो कर रहे हैं बहुत अहमियत रहती है इन लोगों की बड़े बड़े सासों के बदलात ये बड़े बड़े टूर्नामेंट कामयाब होंगे लाल इस ओवर में राशिद ओवर द विकेट सामना करेंगे अजय राशिद बहुत ही बढ़िया रहा है कमाल की बल्लेबाजी गेंद को कलाइयों के सारे मोड़ दिया था जहां से दूसरी टीम ने बैटिंग छोड़ दी वहीं से स्टार्ट कर दी जबरदस्त छक्का यहां निकलता हुआ बैक टू बैक यहां दूसरा जबरदस्त छक्का निकला है लेकिन बहुत बड़े खिलाड़ी इनके ऊपर बहुत निगाह रहेगी देखने वाली बात रहेगी क्या ये लक्ष्य कब बढ़ जाएगा फिलहाल इस ओवर में 2 रन मिल जाएंगे 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 14 रन लगभग 25 से अधिक रन बनाने अगर ये मुकाबला इतना बड़ा टारगेट का अगर पीछा करना है बहुत ज्यादा हो गया सर बस 7 रन कोई दिक्कत नहीं है एक को 2 में कन्वर्ट करते हुए 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 16 रन भाई आधे रन रोहित के बाकी उनकी टीम वालों के 2 बैट्समैन हो गए चार गेंदे 16 रन हो चुके हैं आखिरी 2 गेंदे बहुत बड़ी है सामना करेंगे अजय 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 16 रन राउंड नहीं ओवर का मैच कल है भाई छक्के खाने के बाद अच्छे तरीके से वापसी यहाँ करते हुए ये बढ़िया गेंद बहुत ही बढ़िया वापसी यहाँ करते हुए दो जबरदस्त छक्के खाने के बाद राशिद अपनी कद काठी का भरपूर फायदा उठाते हुए ही ऐसे गेंदबाज जिन्होंने कुछ अच्छी गेंदबाजी की पिछले कई टूर्नामेंटों से लगातार लेकिन खराब प्रदर्शन रहा है गेंदबाजी में हमेशा से फैजाबाद टीम का लेकिन आज बहुत बड़ी अहमियत रहेगी रोहित की लेकिन बल्लेबाजी में छक्के के साथ ही ये ओवर खत्म होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद लास्ट मैच है वही बीपर का बिना किसी नुकसान के जरूर चाहेंगे दूसरे छोर से कम स्ट्राइक पे लेके आना चाहेंगे अजय को बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है पहले ओवर में 3 छक्के निकले जबरदस्त ओवर रहा है 22 रन आते हुए इस ओवर से
कि लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी भी 24 गेंदें, ये मुकाबला जीतने के लिए लगभग 17 से अधिक छक्के चाहिए। राउंड करेंगे दाते हुए रोहित, सामना करेंगे इरशाद। तो चीजें देखने को मिलेंगी बराबर की ओर से, खुद ही जानते हैं अजय बुज्जर इस चीज के बारे में कि वो स्ट्राइक में जे बॉल का भाई ओवर पूरा ओवर है, स्ट्राइक रोटेट करते हैं इरशाद। तो सलीम पोस्ट अच्छी ये ओवर है, आखिरकार स्ट्राइक पे आते हुए अजय सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 23 रन, लेकिन 22 गेंदें बची है, मुकाबला अभी भी मैच है भाई वीरपुर का, लास्ट मैच 100 से अधिक रन चाहिए बराबर की टीम को। फिलहाल अपने इस ओवर में रोहित राउंड द विकेट सामना करेंगे अजय, अच्छी गेंद बना करते हुए रन लेने से बहुत बढ़िया वापसी यहाँ करते हुए टीम, जबरदस्त छक्के पहले ओवर में इनके बैट से निकले थे, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है, 130 रन इतना आसान रहता नहीं है 30 गेंदों में। राउंड द विकेट इस ओवर में अच्छी गेंद और दो रनों के लिए जाती हुई, दो रनों के साथ कर जा पहुंचा है 25 रन, अभी भी दो गेंदें बची है, बहुत बढ़िया वापसी यहाँ करते हुए आखिरी दो गेंदें बची है। चले इस ओवर में रोहित राउंड द विकेट, बढ़िया शॉट जाएंगे, जबरदस्त टाइम है प्लेसमेंट, बहुत ही बढ़िया पावर जनरेट इतना करते हुए शॉट के पीछे ये निकल जाएगी 6 रनों के। भाई अगली दोनों टीमें अपनी बॉल फूक के रेडी रखे, फैजपुर और मगनपुर समय बिल्कुल नहीं है, नूरू नूरू मेरे वीडियो, अगली दोनों टीमें अपनी बॉल फूक के बिल्कुल तैयार रखे, जबरदस्त मुकाबला वो खेला जाना है मगनपुरा और फैजपुर। राउंड द विकेट इस ओवर में रोहित, बढ़िया शॉट समुचित हो गई है, दूर भी चली जाएगी छक्के के साथ, ओवर यहाँ खत्म होता हुआ दो ओवर की समाप्ति के बाद। कितना स्कोर है जी? 35 35 रन स्कोर है, 18 गेंदें बची है, ये मुकाबला अभी भी जीतने के लिए 90 से अधिक रन चाहिए। सामना करेंगे आपको सब वाइफ होगा 129 रन करने भाई, फिलहाल अच्छी खबर ये स्ट्राइक पे वापस आते हुए अच्छी आखिरी बच्चा करा आई तो ऊपर 17 गेंदे बची लगभग 17 छक्के यहाँ से चाहिए। लाल इस ओवर में जाएंगे जी नहीं 6 रन भाई 6 छे दे रहे पीछे से कह रहे हैं यार, वो बिल्लू कह रहा बिल्लू बिल्लू छह रन मिल जाएंगे उस शक्के की बदौलत, स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 40 के बाद। जबरदस्त इंसान मनदीप सिंह भुल्लर, एक बहुत बड़ी हस्ती मनदीप सिंह भुल्लर कनाडा से हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, बड़े जबरदस्त इंसान है, रानीपुर कप लगातार पिछले कई सालों से अपने दबके वो करवाते रहते हैं, मंडी में भी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था उन्हीं के बलबूते पे वो रहा था, हमारे साथ फिलहाल विदेश से वो लाइव जुड़े हुए हैं, बड़े जबरदस्त इंसान है, कमाल की बड़े बड़े टूर्नामेंट बलबूते पे करवाते रहते हैं। चले इस ओवर में अच्छी जबरदस्त लाइन और लेंथ का यहाँ वो देखने को मिलते हुए हेलो छोटी छोटी बनी है वीडियो, लक्ष्य बहुत बड़ा एक प्रसार रहता नहीं है, स्पेशल बहुत रहता है बल्लेबाजों के ऊपर। बाबा इस बेर का तो कोई बोल रहा नहीं, ठीक चल रहा है तो यार बहुत सारे साइड वाइड का इशारा या फायर का कितने बोल रहे हैं दो गेंदे अभी भी शेष, लेकिन अभी भी दर्शकों का यह मनोरंजन करना जरूर चाहेंगे अजय जब तक रहेंगे मैदान के चारों ओर खचा खच भरा हुआ स्टेडियम इस ओवर में। चले पांचवी बार बढ़िया ग्राउंड
सेंटर मौजूद है पीछे ग्रीन फील्डिंग करके साथ था, स्ट्राइक रोटेट करते हुए सामना करेंगे इरशाद। शे बहुत बड़ा है इसके बाद अभी बच्ची क्या आखिरी गेंद में बड़े छक्के के लिए जरूर जाना चाहेंगे। अगर इस मुकाबले में कोई चमत्कार देख रहे हैं अभी भी बारह गेंद बच्ची है तो तीनों छक्के यहाँ तगड़ा शॉट भाई पर बिच्छा फील्डर रन। शुक्रिया शुक्रिया मनदीप सिंह गुल्लर मेरे भाई शुक्रिया। आखिरी बारह गेंदे कंडाई वाला जीत की प्रवेश 80 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। एक आ गए अध्यक्ष। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन स्कोर है। अगला मैच है भाई फैजपुर का तब बगा मैच कल है। गेंदे डालने के लिए बीच मैदान पे आते हुए इसके बाद एक ओवर अभी भी का नाम क्या है होने देखने वाली बात रहेगी क्या एक गेंदबाज से दो ओवर डालाएगी या फिर अपने चारों गेंदबाजों का या पांचों गेंदबाजों का यूज करेगी। फैजाबाद की टीम 8 विकेट आते हुए युवा हवा में है गेंद छोड़ दिया भाई। आखिरी 11 गेंदें बची अगली हार की भाई पिछला मैच देखिए ना तीन खेल दिखाया है विजय ने इसमें मैच में चाहे वो गेंदबाजी हो लेकिन बल्लेबाजी में इतना बड़ा लक्ष्य इतना आसान रहता नहीं है। 36 रन का छह रनों के लिए गेंद जाती हुई ये अब यहाँ से जितने भी छक्के लगाएंगे तो हाईलाइट जरूर याद आएंगी हमें आज से कुछ दिनों के या कुछ हफ्तों के बाद हमारे पेज में डलती हुई नजर आएंगी। कुछ जबरदस्त शॉटों की बदौलत या मनोरंजन करना चाहेंगे हमारे दर्शकों का लक्ष्य बहुत बड़ा है 130 रन 30 गेंदे आज तक इतना बड़ा टारगेट था कभी चीज होता बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा किया भाई पुरानी प्लीज से मेरी भाई बोले वापिस बहुत बड़ा लक्ष्य यहाँ खड़ा किया हुआ है लेकिन 56 रन हो चुके हैं आखिरी 10 गेंदे बची है लगभग 12 छक्के चाहिए। जबरदस्त बहुत ही बढ़िया 6 रनों के लिए गेंद जाती है छक्के की बदौलत स्कोर बढ़कर जा पहुंचे। भाई दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से प्लीज गेंदे वापस थ्रो करते रहे मैदान में कोई काम नहीं है भाई गेंदों का बाहर आज मैदान के अंदर जब तक गेंदे रहेंगी तो जरूर यह प्रयोजन करते रहेंगे बल्लेबाज। जबरदस्त गेंद बाल की वापसी या करते हुए कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास इस गेंद को सही तरीके से खेलने का 62 रन हो चुके 8 गेंदे बची अभी भी ये मुकाबले में लेकिन मुकाबला हार चुकी है भरावड़ की टीम औपचारिक में बची। भाई अगली दोनों टीमें बोल फूक के रेडी रखे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर आगे की तरफ जाता हुआ लेकिन लक्ष्य बड़ा नहीं है भाई मगनपुरा और फैजपुर दोनों टीमें बिल्कुल रेडी रही बहुत बड़ा वो मुकाबला खेला जाना है। शॉट छक्के के साथ ये ओवर ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद 70 से अधिक रन स्कोर है आखिरी 6 गेंदे बची। अगला मैच भाई क्या हाल है अगला मैच भाई बहुत बड़ा लक्ष्य लेकिन राशिद बदलाव 5वें ओवर में क्या 5वां चीज देखने को मिलेगा छोरी आई आखिरी ओवर में 5 गेंदबाजों का किए भाई मगनपुरा दोनों टीमें तैयार रहे मगनपुरा और फैजपुर सोढ़ी गब्बर एक वही दूसरी तरफ जबरदस्त शॉट और एक बाउंस 4 रनों के लिए गेंद जाती 100 कैच करने का प्रयास गेंद छिटक गई चौके के लिए चौके के बदल जा पहुंचा है 70 के बाद बढ़िया शॉट डाउन द ग्राउंड 4 रन और मिलेगी भेज दे भाई दर्शक बोल वापिस शॉट
चार रन क्या और मिलेंगे जी नहीं, दीपा की रन बचाते हुए औपचारिकता बची इस मैच में, और औपचारिकता ही बची इस मैच में। अपनी दो एंट्री पूरी कर चुकी है, लेकिन निराश किया आज गेंदबाजों ने, सीनियर गेंदबाजों ने। शुक्रिया मेरे भाई, इनकी इनाम अगले मैच में कौन कौन है, एक तरफ सोडी एक तरफ हुसैन यमुनानगर। भाई दर्शक अंदर ना घुसे, यंकी भाई एक हफ्ते ऑस्ट्रेलिया वाले नुक्कड़ खा दे मैच, लेफ्ट ऑफ लेग फैजाबाद को चलते मैच में भाई, फैजाबाद की टीम विन करी है अगला मैच, सोडीट को ला हुसैन यमुनानगर भाई, फैज वर्मा हुसैन यमुनानगर और मगन परे में सोडीट को ला भाई। पांच मिनट का वेट करो भाई, बहुत चक्कर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, एक ही बच्चे थी यहाँ की खेल रही हरिपुर।